तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बिछवाड़ा से। और बिछवाड़ा थोड़ा हमारा थोड़ा काम था तो हम बिछवाड़ा आए थे, और अभी जा रहे हैं हम बिछवाड़ा से सीधा खैरवाड़ा। अब जाके मिलते हैं हम खैरवाड़ा में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आज हम सुबह 9 बजे से निकले और डूंगरपुर में थे। डूंगरपुर से भी आए हैं बिछवाड़ा, बिछवाड़ा से फिर जाएंगे खैरवाड़ा। तो ये वाला लोकेशन बिछवाड़ा और खैरवाड़ा के बीच का है, जो हाईवे का है, जो उदयपुर जाता है वो वाला रोड NH 48। और अभी जाएंगे हम खैरवाड़ा और शाम तक हम डूंगरपुर में ही हैं, क्योंकि हमारा एक पार्सल है जो बस में आ रहा है, तो वो 6 बजे तक डूंगरपुर में पहुंचेगा। तब तक हम डूंगरपुर में ही रहेंगे। तो डूंगरपुर का भी कहीं घूमेंगे तो वहाँ का व्यू भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम जाके मिलते हैं सीधा खैरवाड़ा में जाके। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं सीधा खैरवाड़ा। तो भाई लोग, अभी हम खैरवाड़ा आ चुके हैं और खैरवाड़ा जो हमारा काम था वो काम कंप्लीट करके हम निकल चुके हैं वापस डूंगरपुर के लिए। तो देख रहे हो खैरवाड़ा का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, और ये खैरवाड़ा से वापस डूंगरपुर रोड का नज़ारा है। और देख रहे हो यहाँ का सीन बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी बजे 3 से 4 लगभग, टाइम देखा नहीं है लेकिन इतना होगा। और अभी हम आगे जाके कहीं ब्रेक लेके आपको आपसे मतलब बात करते हैं। तो अभी सीधा निकलते हैं डूंगरपुर के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करते रहिए। तो भाई लोगों, आज हम गए थे खैरवाड़ा। तो खैरवाड़ा से वापस आ रहे और सीधा हमने मोटर ब्लॉक ही किया था, और अभी हम खैरवाड़ा से वापस निकल चुके हैं। और ये जो डूंगरपुर जाता है मेन NH हाईवे से, जो ये रोड जाता है डूंगरपुर के लिए, वहाँ पे आके खड़े और खैरवाड़ा गए थे। थोड़ा काम था, और बिछवाड़ा से जाते टाइम तो हम बिछवाड़ा रोड से गए थे, और अभी हम डायरेक्ट डूंगरपुर जाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं डूंगरपुर में, और अभी सीधा जाएंगे गैप सागर पे। और गैप सागर पे मैंने कभी ब्लॉग नहीं किया, और नाना भाई पार्क का भी ब्लॉग कभी नहीं किया। तो दोनों जगहों का मैं आपको नज़ारा बताऊंगा, वहां का टोटल व्यू बताऊंगा। और आज के ब्लॉग में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ड्रोन शॉट्स बताने वाला हूँ। और ये जो आगे मोबाइल लगा हुआ है ये मेरा नहीं है, ये मयूर का है। मयूर का चार्ज ख़त्म है तो चार्ज कर रहे। और अभी सीधा जाके मिलते हैं गैप सागर। तो अभी है हम डूंगरपुर में, आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। और हम गए थे अभी खैरवाड़ा, तो आए अभी डूंगरपुर। और डूंगरपुर आके यहाँ पे मतलब शाम के टाइम में यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख रहे हो आप। तो भाई लोगों, शाम के टाइम में गैप सागर का नज़ारा आप देख सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी शाम का टाइम हुआ है, लगभग 5 बज चुके हैं। और ये बैठा मयूर, जो हम दोनों आए अभी। तो अभी आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं। तो भाई लोग देख रहे हो, ये रहा बादल माल। तो भाई लोगों, अभी हम हैं ये गैप सागर के किनारे पे, मतलब यहाँ रेलिंग पर। और अभी जा रहे हैं हम आगे जाके, जो यहाँ पर भी
शाम के टाइम में घूमने का बहुत बढ़िया। तो भाई लोग अभी हम बैठे हैं यहाँ चेयर पे और देखो पतगड़ी यहाँ पे चेक करो और मंदिर भी है, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं है क्योंकि आज बाइक पे बहुत मतलब घूम चुके, घूमे नहीं है, काम से ही गए थे खेरवाड़ा और बिछवाड़ा, लेकिन फिर भी थक चुके बहुत मगर दोनों, इसलिए कहीं घूमने जाने वाले नहीं है, यहाँ पे ही रेस्ट करेंगे। और 6 बजे हमें थोड़ा काम है यहाँ पे, तो तब तक हम यहाँ पे ही घूमेंगे, टाइम पास करेंगे 1 घंटा। दिख रहा आपको ये है बर्ड सेंचुरी, यहाँ से तो दिख नहीं रहा, मतलब मेरे को दिख रहा है लेकिन ये कैमरे में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत जूम किया लेकिन ब्लर ही आ रहा है। शाम का टाइम अभी हमें तो यहाँ ब्लॉक करें और घूमें, लेकिन हमें कुछ भी करके 1 घंटा यहाँ पे मतलब टाइम पास करना है। 6 बजे तक तो यहाँ रहना ही है, 6 बजे जाना है फिर। तो अभी देख रहा हूँ यहाँ से कुछ इस प्रकार का सीन है और ऊपर देखते हैं जाते हैं वहाँ कोई लोग। और हम जा रहे हैं आगे और आज मतलब बिल्कुल मैं थक चुका हूँ बाइक चला के भी, और वैसे भी बाइक पे बैठ बैठ के थक गया हूँ। आज ब्लॉग करने का कोई मूड ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, 1 घंटा हमें यहाँ पे रहना है तो कुछ करके टाइम पास तो करेंगे। तो ये अभी बाइक तो हमने वहाँ पे खड़ी कर दी, पैदल ही घूम रहे मार्केट में। तो अभी जाते आगे और जहाँ हमारी बाइक पार्क की है वहाँ पे जाके फिर बाइक लेके निकलते हैं, यहाँ कुछ चाय वाय पीते हैं। अब शाम का टाइम है, ठंड भी लग रही है। भाई लोग अभी हम आए हैं नाना भाई पार्क, यहाँ का इस पार्क का व्यू क्या करें। अभी 1 घंटे में हम इतनी जगह पे घूम चुके हैं डूंगरपुर में, 5-5 मिनट सभी जगह पे। तो पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देख रहा हूँ आप मतलब हम जैसे चल रहे ऐसे लाइट लपजिप कर रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ टिकट घर लिखा है और ये अंदर का भी, और ये चीज़ चेक करो, ये मतलब वो चित्तौड़गढ़ में जो किला है उस तरह से दिखता है लेकिन है नहीं, ये कबूतर रहते इसके अंदर। देख रहे हो आप कबूतर भी हैं शायद, दिखाओ मैं आपको, देख रहा हूँ बहुत है सब में मतलब कबूतर ही है। और यहाँ अंदर से बाहर का व्यू मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा यहाँ बाहर जाना लेकिन कहाँ से जाए, देख रहे स्वच्छ बनाए रखे भाई डूंगरपुर, स्वच्छता के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई, तो स्वच्छ अंदर कचरा ना करें भाई लोग। ये रहा नाना भाई पार्क जो कि अंदर से कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। और आज मैं बिल्कुल थक चुका हूँ तो बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। आज कल लोग में आपने देखा होगा कि मैंने कम ही बोला हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें, ब्लॉग तो करना पड़ेगा। यहाँ आए हैं तो देख रहे हो यहाँ से, अरे मेरे को यहाँ से है डायरेक्ट नीचे का ब्लॉक करना था, लेकिन यहाँ पे वो रेलिंग लगी हुई है तो वहाँ पे जा नहीं पा रहे। और ये जो है वो वाटर पावर है जो यहाँ से पानी गिरता वो, लेकिन अभी तो बंद है। और देख रहे हो सनसेट, बहुत बढ़िया सनसेट लग रहा है पतगड़ी के पास में, बहुत बढ़िया सनसेट लग रहा है, चेक करो। मयूर भी थक चुका बोल रहा है वहाँ जाके चेयर पे बैठते कुर्सी पे जाके बैठ रहा है, लेकिन मैं तो ब्लॉक कर रहा हूँ।
देख रहे हो ये, और हिरन लगी हुई है यहाँ पे, और वो रहा शेर। भाई लोग ठंड लग रही है तो मैंने टोपी पहन ली है स्वेटर की, और ये वाला ब्लॉग हम यही पहन कर रहे हैं। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहना, ठीक है। तो अब जाते हैं हम आपके बाय फ्रेंड। तो गाइस हमने हमारी बाइक यहाँ पे पार्क की थी, अब बाइक लेके हम निकलते हैं, और ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप रेडी रहना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।